नेक्स्ट स्कीम है प्रधानमंत्री, सारा चीज प्रधानमंत्री, ठीक है बहुत बढ़िया। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम PMJVK, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, ये आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में। मिनिस्ट्री हैज़ ड्रॉप्ड ओवर 50,000 डिडक्ट प्रपोजल्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिट्स अंडर PMJVK। सो मिनिस्ट्री ने क्या किया है, 50,000 डिफंक्ट प्रपोजल्स को ड्रॉप कर दिया है। मिनिस्ट्री हैज़ ड्रॉप्ड ओवर 50,000 डिफंक्ट प्रपोजल्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिट्स अंडर प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम। पर्पस क्या है इसका, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर डेवलपमेंट बेनिफिट डेफिसिट एरियाज, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। और टेन्योर क्या है, टेन्योर 2021-22 से लेकर के 2025-26, एक नया टर्म है देखो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, हम लोग किसी और वीडियो में इसके बारे में हम लोग याद कर लेंगे, ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। तो ये वाला स्कीम का टेन्योर है 2021-22 से 2025-26। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, प्रोवाइड बेसिक एम्यूनिटीज़ एंड रिड्यूसिंग इम्बैलेंसेस एंड डेवलपमेंट डेफिसिट इन द आइडेंटिफाइड माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेशन एरिया। तो जहाँ पे भी माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेशन एरिया है वहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को डेवलप करना है, बेसिक एम्यूनिटीज़ प्रोवाइड करानी है और रिड्यूसिंग इम्बैलेंसेस एंड डेवलपमेंट डेफिसिट। सेलिएंट फीचर्स देखिए, बैकग्राउंड क्या है, द स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन 2008-2009 एज मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम MSDP, मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंड वॉज रीस्ट्रक्चर्ड इन 2017-18 एज PMJVK। द स्कीम वॉज लॉन्च, ये कब स्कीम लॉन्च किया था, देखो पहले ही लॉन्च किया गया था, नाम खाली बदलते रहते हैं ये लोग यार। 2008-09 में UPA की गवर्नमेंट थी उसके टाइम पे ही ये स्कीम लॉन्च किया गया था, क्या नाम से, मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसी को पलट करके क्या कर दिया, प्रधानमंत्री जन कार्यक्रम, जन ये आपका जन विकास कार्यक्रम। अधिकतर पैटर्न दिख रहा है आपको, सारा UPA गवर्नमेंट की प्रीवियस की स्कीम्स हैं, उसी का नाम बदल बदल करके अपना लेवल चेप रहे हैं लोग। द स्कीम वॉज लॉन्च इन 2008-09 एज मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम MSDP एंड वॉज रीस्ट्रक्चर्ड इन 2017-18 एज PMJVK। द स्कीम वॉज फर्दर मॉडिफाइड इन 2022, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज कैन प्रपोज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन द आइडेंटिफाइड एरियाज वेयर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी पॉपुलेशन इज मोर देन 25% इन द कैचमेंट एरिया, 15 किलोमीटर रेडियस। तो 15 किलोमीटर के रेडियस में अगर माइनॉरिटी का पॉपुलेशन 25% से ज़्यादा है तो वहाँ पे आप एरिया को आइडेंटिफाई करोगे कि वहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स उस आइडेंटिफाइड एरियाज में आपको लगाने पड़ेंगे। द स्कीम इज़ आइडेंटिफाइड बाय नीति आयोग एज कोर ऑफ द कोर स्कीम अंडर द नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा। तो नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा के तहत नीति आयोग ने क्या बोला इस स्कीम को, कोर ऑफ द कोर स्कीम, ये वाला जो स्कीम है ये कोर ऑफ द कोर स्कीम है। सो स्कीम को इस तरह से आइडेंटिफाई किया गया। बेनिफिशियरीज कौन है इसके, माइनॉरिटी कम्युनिटीज नोटिफाइड अंडर द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992। सो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट कब आया था, 1992 में आया था, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992 में आया था। और ये बताइए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्या, नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता तो आर्टिकल से होता, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है क्योंकि ये एक्ट से आया है। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट का गठन कब हुआ था, 1992 में हुआ था। और उस माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ में क्या क्या आते हैं, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, सिक्स, जैंस और पारसीज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, सिक्स, जैंस और पारसीज, ये सारे लोग माइनॉरिटीज़ में आती है। माइनॉरिटीज़ का मतलब सिर्फ मुस्लिम्स नहीं होता है, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, सिक्स, जैंस और पारसीज। अप्रोच, डिमांड ड्रिवन फिनेंशियल असिस्टेंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटी एसेट्स ओनली, हाउएवर इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स डेवलपमेंट अंडर द प्रोजेक्ट इज फॉर यूज़ ऑफ ऑल कम्युनिटीज लिविंग इन द कैचमेंट एरियाज। सो अप्रोच क्या है इसका, डिमांड ड्रिवन फिनेंशियल असिस्टेंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटी एसेट्स ओनली एंड हाउएवर इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स डेवलपमेंट अंडर द प्रोजेक्ट इज़ फॉर यूज़ ऑफ ऑल कम्युनिटीज लिविंग इन द कैचमेंट एरियाज। तो जो भी कम्युनिटीज कैचमेंट एरियाज में रह रहे हैं उनके लिए ये सारा चीज़ बेनिफिट है।
थ्रस्ट एरियाज क्या है? अराउंड 80% ऑफ द रिसोर्सेज वुड बी यूटिलाइज फॉर प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू प्रायोरिटी सेक्टर्स, और जितना है रिसोर्सेज उसका 80% जो रिसोर्सेज है ना वो किस चीज़ के लिए यूटिलाइज किया जाएगा, वो प्रायोरिटी सेक्टर्स के लिए यूटिलाइज किया जाएगा। अब प्रायोरिटी सेक्टर्स मतलब आप समझ सकते हो की सेक्टर्स देख लो, हेल्थ, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, वीमेन सेंट्रिक प्रोजेक्ट्स, एमर्जिंग सेक्टर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, स्पोर्ट्स, सैनिटेशन, सोलर एनर्जी, तो ये सारे की सेक्टर्स और प्राइमरी प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं, और बाकी सारा सेक्टर्स तो आपका आ जाएगा उसमें, ठीक है। वेमेन एम्पावरमेंट एफर्ट्स विल बी मेड टू यूज़ एटलीस्ट 33-40% ऑफ द फंड्स फॉर क्रिएशन ऑफ एसेट्स और फैसिलिटीज़ फॉर वीमेन और गर्ल्स। तो वीमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या बोला जा रहा है कि एफर्ट्स किए जाएंगे कि एटलीस्ट 33-40% जो है फंड्स का वो क्रिएशन ऑफ एसेट्स और फैसिलिटीज़ फॉर वीमेन और गर्ल्स के लिए किया जाए। कन्वर्जेंस विद पीएम विकास फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज रिलेटिंग टू स्किल डेवलपमेंट सच एज आर्ट्स, क्राफ्ट्स, स्किल्स, हेरिटेज इन विश्वकर्मा विलेजेस अंडर द पीएम विकास स्कीम विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड। तो ये पीएम विकास स्कीम है, उसके साथ कन्वर्जेंस करने का बात हुआ है। मोबाइल ऐप क्या नाम है? PMJVK भुवन। तो एक मोबाइल ऐप है जिसका नाम क्या है? PMJVK भुवन। इट हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर जियो टैगिंग ऑफ ऑल द एसेट्स क्रिएटेड अंडर PMJVK। तो जो कुछ भी एसेट्स है जो वो जियो टैगिंग के लिए आप यहाँ पे कर सकते हो। सो इट हैज़ बीन डेवलप, इसको आपको डेवलप किया गया है जियो टैगिंग ऑफ ऑल द एसेट्स क्रिएटेड अंडर PMJVK। सो PMJVK के तहत जो भी जियो टैगिंग दिया गया है एसेट्स को वो सारे चीज़ यहाँ पे होगा। इट ऑल्सो कैप्चर्स द प्रोजेक्ट स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स इंक्लूडिंग द फोटोग्राफ्स और डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट्स फॉर बेटर इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग। तो ये क्या करेगा ना, ये कैप्चर करेगा जो कुछ भी प्रोजेक्ट स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स है, जो भी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन और कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, सबका फोटो खींच खींच करके डालेगा ताकि पता लग पाएगा कि हाँ कितना प्रोजेक्ट हो चुका है उसमें। फ्लेक्सिबिलिटी टू स्टेट्स टू एंश्योर दैट द फंड्स आर ऑप्टिमली यूटिलाइज्ड बाय द स्टेट। नाउ द रिलीज ऑफ फंड्स अंडर PMJVK आर नॉट टाइड टू द इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स। तो ये इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स के साथ में टाइड नहीं किया गया है, ये आपका रिलीज स्टेट फंड करेगी सारे प्रोजेक्ट्स के साथ में, तो ये स्टेट्स को फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। सो फ्लेक्सिबिलिटी टू स्टेट्स क्या हुआ है? टू एंश्योर दैट द फंड्स आर ऑप्टिमली यूटिलाइज्ड बाय द स्टेट, नाउ द रिलीज ऑफ फंड्स अंडर PMJVK आर नॉट टाइड टू द इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स। इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स के साथ टाइड नहीं है, इस तरह से आपको फोटो खींच खींच के डालना है कितना कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट हुआ है। सो ये कौन सा स्कीम था? प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में। सी यू द नेक्स्ट स्कीम, टिल देन बाय।